सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज लेक्चर. और आज हमारा टॉपिक है मैग्नेटिज्म. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, हमें देखना है कि मटेरियल जो है वो दो टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से होते हैं? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स फर्स्ट टाइप के, और सेकंड टाइप कौन सी होती है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. अब जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं ना, दे आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. इसका मतलब ये है कि इनके ये जो डाइपोल्स हैं, ये जो आपको एरोस की फॉर्म में दिख रहे हैं, डाइपोल्स क्या होते हैं? डाइपोल्स आर बेसिकली स्मॉल मैग्नेट्स. डाइपोल्स क्या होते हैं? डाइपोल्स आर बेसिकली स्मॉल मैग्नेट्स इन अ ओवरऑल लार्ज मैग्नेट या ओवरऑल लार्ज मटीरियल. ठीक है, ये जो स्मॉल मैग्नेट्स या डाइपोल्स होते हैं ना, पैरामैग्नेटिक मटीरियल में कभी भी ये अलाइन नहीं होते. और डाइपोल जो है उसका जो हेड है, दैट इज दिस एरो का हेड, जैसे कि वेक्टर में होता था, ये जो हेड है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ. ये जो डाइपोल्स हैं वो कभी भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में अलाइन नहीं होंगे, हेंस दे आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. जो फेरोमैग्नेटिक हैं उनमें ये डाइपोल्स अलाइन हो जाएंगे व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिसिटी. सो लेट्स सी सम नोट्स और थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं इनकी. देखो, ऑल मटेरियल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक. मैग्नेटिक मटेरियल्स कंसिस्ट ऑफ, बल्कि ऑल मटेरियल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मैग्नेटिक पार्टिकल्स दैट आर नोन एज डाइपोल्स और डोमेन्स. ठीक है, अब डाइपोल्स जो हैं दे बिहेव एज टाइनी मैग्नेट्स, जो हमने ऊपर बात की है. ये जो एरोज हैं दीज आर टाइनी मैग्नेट्स. ठीक है, अब ये जो टाइनी मैग्नेट्स हैं, इनका जो हेड है दैट इज हमारा नॉर्थ पोल. अब अगर मैं ये जो हेड है इसको अगर मैं पिंक से मार्क कर दूं, दिस इज अ नॉर्थ पोल, और ये जो बैक वाली साइड है दिस इज साउथ पोल. अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में ये होगा कि ये जो हेड्स है ना, ये कभी भी अलाइन नहीं होंगे. ठीक है, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इनिशियली दीज डाइपोल्स आर हैपहैज़र्डली अलाइंड, दे पॉइंट रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शंस. दोनों मटीरियल्स में पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक में, दोनों में इनिशियली क्या होगा? इनिशियली डाइपोल्स जो हैं वो हैपहैज़र्डली अलाइंड होंगे, लेकिन आफ्टर अप्लाइंग करंट पैरामैग्नेटिक में फिर भी डाइपोल्स जो हैं वो हैपहैज़र्डली रहेंगे. क्यों? क्योंकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में डाइपोल्स आर फिक्स्ड, हेंस ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं इनको हम नॉन मैग्नेटिक भी कहते हैं. हाउएवर, देखो इनिशियली तो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में दोनों में डाइपोल्स जो हैं वो हैपहैज़र्डली अलाइंड है, लेकिन आफ्टर अप्लाइंग करंट भी पैरामैग्नेटिक में डाइपोल्स हैपहैज़र्डली रहते हैं, लेकिन फेरोमैग्नेटिक में आफ्टर अप्लाइंग करंट द डाइपोल्स अलाइन. ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स इट इज़ पॉसिबल टू अलाइन द डाइपोल्स इन वन डायरेक्शन. और फेरोमैग्नेटिक्स की, अच्छा ये पॉसिबल कब होता है? जब व्हेन यू अप्लाई करंट. ठीक है, अब ये भी हम आगे देखेंगे किस तरह फेरोमैग्नेटिक को हम मैग्नेटाइज करते हैं. ठीक है, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हैं, कोबाल्ट, निकल, आयरन एंड स्टील. ठीक है, अब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हमने अभी पढ़ा, फेरोमैग्नेटिक, उसमें क्या होता था? सबकी डेफिनेशन देख लो अब. ठीक है, वो क्या होता था? दैट आर पैरामैग्नेटिक की क्या डेफिनेशन होती थी? जिनके डाइपोल्स कैन नॉट बी अलाइंड. अब फेरोमैग्नेटिक की क्या डेफिनेशन होती थी, या मैग्नेटिक मटेरियल्स की क्या डेफिनेशन होती थी? जिनके डाइपोल्स कैन बी अलाइंड. ठीक है, अब जब आप फेरोमैग्नेटिक्स के, देखो फेरोमैग्नेटिक के भी इनिशियली डाइपोल्स जो हैं वो हैपहैज़र्डली अलाइंड होंगे, लेकिन जब आप करंट लगा के फेरोमैग्नेटिक को अलाइन कर देते हो ना डाइपोल, तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, मैग्नेटिक मटेरियल हो जाता है. ठीक है, देखो बेसिकली ये मैग्नेटिक मटेरियल से मैग्नेटाइज मटेरियल में जाने के लिए आपको सिर्फ करंट लगाना है. और इसमें होता क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल में इनिशियली हैपहैज़र्डली होते हैं डाइपोल्स अलाइन, लेकिन जब आप करंट लगाते हो तो वो क्या हो जाते हैं? अलाइन हो जाते हैं. ठीक है, सो बेसिक दिस इज बेसिक स्टफ. ठीक है, अब आ जाओ डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन एंड स्टील. अच्छा बच्चों, बेसिकली ओ लेवल्स में, आईजीसीएसई में हमारे पास दो ही मेन
टाइप्स के मटेरियल्स हैं जिनकी बात हो रही है, आयरन एंड स्टील, एंड दे आर बोथ मैग्नेटिक मटेरियल्स. ठीक है, इन दो मटेरियल्स में मैग्नेट्स में बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है. ठीक है, अब पढ़ते हैं इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी. आयरन जो है वो टेम्परेरी मैग्नेट है, मतलब इसका ये है कि आयरन जो है बहुत जल्दी मैग्नेटाइज भी हो जाएगा और बहुत जल्दी डीमैग्नेटाइज भी हो जाएगा. ठीक है, हाउएवर स्टील जो है वो एक परमानेंट मैग्नेट है, मतलब ये टाइम लेगा मैग्नेटाइज होने में. देखो, इट इज डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज स्टील, बट वंस इट गेट्स मैग्नेटाइज इट विल नॉट लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. इसका मतलब ये है कि स्टील जो है वो देर से मैग्नेटाइज होगा मगर काफी देर तक मैग्नेटाइज रहेगा. हाउएवर ऑन द अदर हैंड आयरन जो है वो जल्दी तो मैग्नेटाइज हो जाएगा लेकिन वो डीमैग्नेटाइज भी जल्दी हो जाएगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स. ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं मैग्नेट की. मैग्नेट की सबसे पहले प्रॉपर्टी हमें क्या पता है कि नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं इसके, लेकिन जो टेम्पररी मैग्नेट होगा उसके नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है वो शिफ्ट कर रहे होंगे. इट कैन स्विच. ठीक है, टेम्पररी मैग्नेट्स में नॉर्थ एंड साउथ पोल कैन शिफ्ट क्विकली. हाउएवर परमानेंट मैग्नेट में नॉर्थ एंड साउथ पोल जो है वो परमानेंट अपनी जगहों पे रहते हैं. जैसे कि अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तो ये भी नॉर्थ और साउथ ही रहेगा आफ्टर सम टाइम. ठीक है, हाउएवर देखो टेम्पररी मैग्नेट में हेंस इट कैन स्विच पोल्स. आयरन कैन स्विच पोल्स बिकॉज वो टेम्पररी मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट कांट स्विच पोल्स. तो ये कौन सा हो जाएगा, ये स्टील हो जाएगा, ये हो जाएगा आयरन. ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेट्स की. सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट्स इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द पोल्स. अब हमें ये पता है कि एक मैग्नेट किस तरह लगता है, इस तरह, नॉर्थ ये बना हुआ है, साउथ ये बना हुआ है. तो ये जो पोल्स है ना, ये जो पोल्स हैं इधर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी. ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज शोन बाय कंस्ट्रक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. और जितनी ज्यादा फील्ड लाइन्स होंगी उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी. ठीक है, और ये क्या है, फील्ड लाइन्स कहाँ से कहाँ जाती हैं, फील्ड लाइन नॉर्थ से हमेशा साउथ पोल की तरफ जाती हैं. ठीक है, सो ये एक स्कीमेटिक भी मैंने बनाया हुआ है, डू रिमेंबर दिस, कभी कभार एग्जाम में आ जाता है. ठीक है, अब जो हमें याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अगर क्लोज टूगेदर हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रांग है. अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो फार अवे हैं, मतलब इन दोनों के दरमियान जो है वो डिस्टेंस ज़्यादा है, तो क्या है, तो क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक. ठीक है, इतना क्लियर है. अब चौथी प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेट्स की, मैग्नेट्स की चौथी प्रॉपर्टी इज वेरी सिंपल कि लाइक पोल रिपेल. जैसे कि नॉर्थ को नॉर्थ के साथ रखोगे तो वो रिपेल होगा, साउथ को साउथ के साथ रखोगे तो वो रिपेल होगा. और फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, नॉर्थ को साउथ के साथ रखोगे तो वो अट्रैक्ट होगा, सिंपल. ठीक है, नाउ लेट्स स्टडी अवर नेक्स्ट टॉपिक एज टू हाउ टू मैग्नेटाइज आयरन. ठीक है, आयरन हमें पता है कि एक टेम्पररी मैग्नेट है जो कि इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है. तो लेट्स स्टडी कि इसको किस तरह मैग्नेटाइज करेंगे. और हमें एक और बात भी पता है टेम्पररी मैग्नेट की, क्या, कि ये जो है वो पोल्स फटाफट स्विच कर लेते हैं. ठीक है, मतलब ये इनके पोल्स जो हैं वो परमानेंट नहीं होते. अभी यहाँ पे साउथ है तो थोड़ी देर बाद ये नॉर्थ भी हो सकता है अगर सामने वाला मैग्नेट साउथ दिखा रहा है. सो लेट्स स्टडी इट, बेहतर समझ आएगा. ठीक है, आयरन को मैग्नेटाइज करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं कि उसके सामने, मतलब उसके पास एक परमानेंट मैग्नेट लाते हैं. ठीक है, दिस इज अ परमानेंट मैग्नेट, ये वाला. ठीक है, दिस वन. तो जब आप इसके सामने परमानेंट मैग्नेट लाओगे ना, तो ये जो इसकी पोलैरिटी होगी परमानेंट मैग्नेट की, द पोलैरिटी ऑन द परमानेंट मैग्नेट्स फेस दैट इज फेसिंग द आयरन रॉड. देखो, जो पोलैरिटी होगी परमानेंट मैग्नेट के फेस की, जो आयरन रॉड को फेस कर रही होगी, सपोज करो नॉर्थ, उसके ऑपोजिट पोलैरिटी फटाफट आयरन अडॉप्ट कर लेगा. ठीक है, जो कि होगी साउथ पोल. अब सपोज करो जो पोलैरिटी जो मैग्नेट फेस कर रहा है आयरन को, उसकी है साउथ, तो फौरन से आयरन रॉड जो है वो नॉर्थ पोल अडैप्ट कर लेगा. तो देख रहे हो, आयरन कैन अडैप्ट नॉर्थ एंड साउथ पोल टेम्पररीली. कोई फिक्स इसका पोल नहीं होता कि मतलब ये अगर इसने साउथ अडैप्ट कर लिया है तो फिर ये नॉर्थ अडैप्ट नहीं कर सकता. इट कैन कंप्लीटली अडैप्ट अकॉर्डिंग टू द मैग्नेट जो इसके सामने लाओगे. अगर आयरन के सामने एक साउथ पोल लाओगे तो ये कौन सा अडैप्ट कर लेगा, अपना फ्रंट फेस, नॉर्थ फेस अडैप्ट कर लेगा.
नॉर्थ पोल अडैप्ट कर लेगा बेसिकली। और अगर आयरन के सामने आप एक नॉर्थ पोल लाओगे तो वो कौन सा पोल अडैप्ट कर लेगा? साउथ पोल। सो बेसिकली बेसिकली टू सम इट अप मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आयरन हैज़ अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी कि अगर आप इसके सामने नॉर्थ पोल लाओगे तो ये साउथ पोल अडैप्ट कर लेगा, अगर आप इसके सामने साउथ पोल लाओगे तो ये कौन सा पोल अडैप्ट कर लेगा? ये नॉर्थ पोल अडैप्ट कर लेगा। तो इससे हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं? इससे हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि आयरन हमेशा दूसरे मैग्नेट्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। आयरन हमेशा, देखो आयरन ओनली अंडरगोज अट्रैक्शन, इट नेवर अंडरगोज रिपल्शन। क्यों? क्योंकि आयरन के सामने अगर आप साउथ पोल लाओगे तो ये नॉर्थ बन जाएगा, अगर आप नॉर्थ लाओगे इसके सामने तो ये साउथ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेरी मैग्नेट है और टेम्परेरी मैग्नेट के पोल्स जो हैं वो टेम्परेरी ही रहते हैं, ठीक है। टेम्परेरी पोल्स होते हैं टेम्परेरी मैग्नेट के, सिंपल। अब हाउ टू डीमैग्नेटाइज आयरन, सिंपल सवाल है। अगर आप ये मैग्नेट रिमूव कर दोगे तो आयरन डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयरन इज अ टेम्परेरी मैग्नेट, इट इंस्टेंटली मैग्नेटाइज और इंस्टेंटली डीमैग्नेटाइज, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया कि टेम्परेरी मैग्नेट को किस तरह मैग्नेटाइज करते हैं और डीमैग्नेटाइज करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि परमानेंट मैग्नेट सच एज स्टील, इसको कैसे मैग्नेटाइज करते हैं और डीमैग्नेटाइज करते हैं। तो स्टील को मैग्नेटाइज करने के तीन तरीके हैं, सिंगल स्ट्रोक मेथड, डबल स्ट्रोक मेथड और इलेक्ट्रिकल मेथड। इलेक्ट्रिकल मेथड जो है वो सबसे बेस्ट है और आज हम वही पढ़ेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिकल मेथड की सबसे पहले आप थोड़ी सी डेफिनेशन देख लो। इलेक्ट्रिकल मेथड में हम यूज क्या करते हैं? हम यूज करते हैं एक सोलेनोइड टू मैग्नेटाइज स्टील। अब सोलेनोइड क्या है? सोलेनोइड इज बेसिकली अ कॉपर वायर। देखो अगर ये कॉपर स्ट्रेट वायर को मैं रैप कर दूं इन अ कॉइल, ठीक है, तो ये सोलेनोइड बन जाएगा। सिंपल, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है, कभी कभार एग्जाम में आ जाती है फॉर वन मार्क। तो क्या लिखोगे? टेक अ लॉन्ग कॉपर वायर एंड बेंड इट टू मेक मल्टीपल टर्न्स और मल्टीपल कॉइल्स एज शोन, दिस इज व्हाट? अ सोलेनोइड, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे मैंने एक और डेफिनेशन भी लिख दी है, सो बोथ शुड बी क्लियर टू यू गाइस। अब आते हैं अपनी मेन टॉपिक पे, एज टू हाउ टू मैग्नेटाइज स्टील या फिर एक परमानेंट मैग्नेट को किस तरह हम मैग्नेटाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल मेथड। और किस चीज को मैग्नेटाइज कर रहे हैं? परमानेंट मैग्नेट को। सबसे पहले आप ये करोगे कि एक सोलेनोइड लोगे, ठीक है, और उसे कनेक्ट करोगे एक डीसी सप्लाई में। तो चलो इसकी डायग्राम देखते हैं। ये एक सोलेनोइड था, कर्व हुई वायर, दैट इज दिस ऑरेंज वायर, इसको हमने किससे कनेक्ट किया? डीसी सप्लाई से, ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे? प्लेस द स्टील बार विच इज टू बी मैग्नेटाइज इनसाइड द सोलेनोइड। अब ये स्टील बार जो है उसको हम सोलेनोइड के अंदर प्लेस कर देंगे, ये वाली स्टील बार, ठीक है। एंड नाउ वी विल क्लोज द स्विच एंड अलाउ फॉर करंट टू फ्लो फॉर अ वाइल। अब ये क्या करेगा? ये बेसिकली जो आपकी हैपहैजर्डली प्लेस डाइपोल्स होंगी, सपोज करो इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, उनको अलाइन कर देगा, इन अलाइन इन अलाइन, इस तरह अलाइन कर देगा, ठीक है, सारे डाइपोल्स को वो अलाइन कर देगा। क्यों? क्योंकि करंट जब फ्लो होगा तो डाइपोल्स विल अलाइन, एंड हेंस जब डाइपोल्स अलाइन होते हैं तो क्या हो जाता है? अभी पढ़ा था, एक मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। और हमें पता है कि ये परमानेंट मैग्नेट है, तो इसका क्या होगा? इसके नॉर्थ और साउथ पोल्स क्या होंगे? डिफाइंड होंगे, ये चेंज नहीं होंगे। पोल्स, लेट मी राइट इट हियर, पोल्स आर परमानेंट, ठीक है। आयरन में क्या हो रहा था? आयरन में पोल्स वर टेम्पररी एंड दे वर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू आप उसके सामने कौन सा पोल का मैग्नेट लाते हो, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू मिनट स्विच ऑफ द करंट एंड पुल ऑफ द स्टील बार, ठीक है, आफ्टर फ्यू मिनट स्विच ऑफ करो ये स्विच को और स्टील बार को पुल आउट कर लो। अब एक बात यहाँ पे रिमेंबर करने वाली ये है कि आपको पता है कि स्टील बार जो है वो परमानेंट मैग्नेट है, तो एक दफा अगर ये मैग्नेटाइज हो गया और आपने स्विच ऑफ करके इसे बाहर पुल आउट कर लिया, फिर भी ये मैग्नेटाइज रहेगा, ठीक है, इट विल नॉट बी इजीली डीमैग्नेटाइज, ठीक है। अब लेट्स मूव ऑन टू अनदर सवाल कि हाउ डू वी फाइंड आउट विच एंड ऑफ द स्टील बार बिकम्स नॉर्थ पोल एंड विच एंड बिकम्स साउथ पोल, ठीक है। अब यहां पे आपको एक सवाल मुझसे पूछना चाहिए था कि यार ये आपने नॉर्थ और साउथ किस तरह मार्क कर दिया सर, हमें किस तरह पता चलेगा ये नॉर्थ है ये साउथ है या ऑपोजिट है,
या ये नॉर्थ है या ये साउथ है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं व्हाट, राइट हैंड ग्रिप रूल। बेसिकली राइट हैंड ग्रिप रूल ये कहता है कि अगर आप जो ये रॉड है स्टील की, उसको इमेजिन करो अपने हाथ से ग्रिप करने का और अपनी फिंगर्स कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन योर थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। ठीक है, बेसिकली देखो राइट हैंड रूल कहता क्या है, राइट हैंड ग्रिप रूल है ये। ठीक है, अभी हम और भी काफी ज्यादा रूल्स पढ़ेंगे, तो बेसिकली इट इज इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट ये कौन सा रूल है, ये है राइट हैंड ग्रिप रूल। ठीक है, ये कहता क्या है, ये कहता ये है कि इफ यू इमेजिन ग्रिपिंग द सोलेनाइड विथ योर राइट हैंड, मतलब ये राइट हैंड है आपका, ठीक है, दिस इज योर राइट हैंड, इफ यू ग्रिप द सोलेनाइड विथ योर राइट हैंड, ठीक है, एंड योर फिंगर फॉलोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, आप फिंगर देखो डायरेक्शन ऑफ करंट को फॉलो कर रही है इस तरह, तो आपका थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, नॉर्थ की डायरेक्शन में। ठीक है, सो इफ यू अप्लाई द सेम रूल अबव, इफ यू अप्लाई द सेम रूल ऑन द स्टील की मैग्नेटिज्म वाला पार्ट, सो आपका क्या आएगी डायरेक्शन, कैन यू टेल मी, ये देखो ये आपकी ड्रॉइंग थी, इफ यू रोल योर फिंगर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो आपका थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, इस डायरेक्शन में, सो हेंस योर नॉर्थ पोल विल बी इन दिस डायरेक्शन, सिंपल। ठीक है, नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पोल्स इंड्यूस्ड ऑन द स्टील बार, मतलब ये जो नॉर्थ और साउथ इंड्यूस्ड हुए हैं स्टील बार पे, इनकी हम स्ट्रेंथ किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर सकते हैं, यूज अ पावरफुल बैटरी, मतलब मोर पावर की डीसी सप्लाई यूज करो, या ज्यादा नंबर ऑफ, सेकेंडली क्या करोगे, ज्यादा नंबर ऑफ सोलेनोइड की टर्न्स लो। ठीक है, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ सोलेनोइड टर्न्स लो, इस तरह ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनोइड लो। ठीक है, थर्डली क्या कर सकते हो, अलाउ करंट टू फ्लो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सिंपल। ओके, अब ये पूछ रहा है हमसे एग्जामिनर, अगर कभी कभार ये भी सवाल कर सकता है कि कैन दिस टेक्निक जो कि डीसी सप्लाई और करंट फ्लो वाली है यूज फॉर एन आयरन बार, मतलब ये सेम टेक्निक क्या आप आयरन बार के लिए यूज कर सकते हो, हाँ यूज कर सकते हो, लेकिन इसका मसला क्या आएगा, जैसे ही आप करंट बंद करोगे आयरन विल डीमैग्नेटाइज, क्योंकि वो टेम्परेरी मैग्नेट है। स्टील के साथ ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि स्टील एक परमानेंट मैग्नेट है, और एक दफा अगर वो मैग्नेटाइज हो जाए तो अगर आप वो डीमैग्नेटाइज होने में उसको काफी टाइम लगता है, सही है। नाउ लेट सी, अब एक स्टील को हमने मैग्नेटाइज तो कर लिया और हमें ये पता है कि स्टील जो है काफी देर तक मैग्नेटाइज रहता है वंस इट इज मैग्नेटाइज, तो लेट सी हाउ टू डीमैग्नेटाइज स्टील। तो डीमैग्नेटाइज स्टील के लिए भी हमारे पास तीन मेथड्स हैं, फर्स्ट मेथड क्या है, हैमर, सेकेंड मेथड क्या है, हीटिंग, थर्ड मेथड दैट इज द मोस्ट बेस्ट मेथड और यू कैन से द मोस्ट रिलायबल मेथड इज द इलेक्ट्रिकल मेथड। ठीक है, अब आपको एक चीज यहां पे और समझनी पड़ेगी, ठीक है, डीसी सप्लाई और एसी सप्लाई का फर्क। अच्छा, डीसी सप्लाई बेसिकली डायरेक्ट करंट को कहते हैं और इसमें जो है ना करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। एसी सप्लाई और ऑल्टरनेटिंग सप्लाई में करंट जो है मेनी डायरेक्शन में, मेनी टाइम्स जो है वो अपनी डायरेक्शन स्विच करता है इन वन सेकेंड, मतलब कभी यूं जा रहा होगा करंट, कभी बैकवर्ड जा रहा होगा, देन यू। हाउएवर इन डीसी सप्लाई करंट ओनली मूव्स इन वन डायरेक्शन। ठीक है, दो तरह की सप्लाईज होती हैं बेसिकली करंट की, एक होती है डीसी सप्लाई, डायरेक्ट सप्लाई, उसमें करंट एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है। दूसरी टाइप ऑफ सप्लाई कौन सी होती है, एसी सप्लाई और ऑल्टरनेटिंग सप्लाई, उसमें करंट जो है वो मेनी टाइम्स इन अ सेकेंड डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू हाउ टू डीमैग्नेटाइज अ स्टील। अब स्टील डीमैग्नेटाइज करने के लिए हमने वापस वही स्टेप्स करने, एक सोलेनोइड की कॉइल लेनी है, उसमें स्टील प्लेस करना है, बट यहां पे एक चीज डिफरेंट होगी, यहां पे हम एसी सप्लाई प्लेस कर रहे होंगे। मैग्नेटाइजेशन में कौन सी सप्लाई प्लेस की थी, डीसी सप्लाई। जब आप एसी सप्लाई प्लेस करोगे और मैग्नेटाइज्ड स्टील बार अंदर प्लेस करोगे एंड विल अलाउ द एसी सप्लाई टू फ्लो थ्रू दिस, तो क्या होगा, वापस से देखो अभी जो है आपके डायपोल जो हैं वो अलाइंड हैं इस तरह। ठीक है, जब आप एसी सप्लाई फ्लो कराओगे थ्रू अ मैग्नेटाइज स्टील बार, तो क्या होगा, वापस हैपहैजर्डली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे डाइपोल्स और स्टील क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज। तो इसके थोड़े स्टेप्स भी पढ़ लेते हैं जो कि मैंने नोट्स में आप लोगों के लिए लिखे हैं। लेट सी द स्टेप्स हियर, कनेक्ट द सोलेनोइड टू एन एसी सप्लाई, इंसर्ट द स्टील बार इनसाइड द सोलेनोइड एंड स्विच ऑन द करंट फॉर अ फ्यू मिनट्स। ओके, ड्यू टू ऑल्टरनेटिंग करंट एसी सप्लाई द डाइपोल्स विल कंटिन्यूसली स्विच
their positions and eventually will get arranged haphazardly. और dipoles haphazardly arrange हो जाएं, इसका मतलब क्या है कि आपका जो स्टील है वो डीमैग्नेटाइज हो गया है. अच्छा, अब एग्जामिनर कभी कभार ये सवाल पूछ लेता है कि शुड वी यूज दिस सेम टेक्निक जो कि एसी सप्लाई वाली है फॉर आयरन एज वेल. जब आयरन को डीमैग्नेटाइज करना होता है तो भी हम इसे एसी सप्लाई में रखें, तो वी कुड से नो बिकॉज आयरन टेम्परेरी मैग्नेट है, जैसे ही उससे सोलेनोइड से निकालोगे आयरन को इट विल गेट डीमैग्नेटाइज. सिंपल, ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आर एग्जामिनर समटाइम्स आस्क. ठीक है, हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है. You are given two bars A and B. One is made from iron and one is made from steel. They go, both get mixed. Explain how can you distinguish between them using a magnet available in a lab. अब हमें पता है कि अच्छा हमें बेसिकली सवाल में क्या गिवन है. हमें गिवन है एक आयरन की रॉड, ठीक है, और हमें गिवन है एक स्टील की रॉड और हमें एक मैग्नेट गिवन है. ठीक है, हमें पता लगाना है कि कौन सी रॉड जो है वो आयरन की है एंड कौन सी रॉड जो है वो स्टील की है. तो हमें पता है अगर मैं मैग्नेट आयरन की तरफ ले जाऊं तो आयरन अपनी पोलैरिटी शिफ्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू मैग्नेट. जैसे कि अगर मैं आयरन की तरफ ये मैग्नेट लेके जाऊं एंड लेट सपोज इसकी मैं पोलैरिटी नॉर्थ कर देता हूं तो आयरन अपनी अडेप्ट करके कौन सी कर लेगा, साउथ. सिमिलरली अगर ये मैग्नेट वापस मैं आयरन की तरफ लेके जाऊं और इस दफा मैं मैग्नेट का साउथ पोल लेके जाऊं और आयरन का नॉर्थ पोल बन जाएगा ना, आयरन विल अडेप्ट इट्स पोलैरिटी. तो मुझे क्या पता चल रहा है कि आयरन विल ओनली अट्रैक्ट द मैग्नेट. हाउएवर स्टील के साथ ऐसा नहीं होगा. स्टील के पास अगर मैं मैग्नेट को लेके जाऊंगा तो एक तरीके से तो वो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन सेकेंड पोलैरिटी पे जब मैं इस मैग्नेट को शिफ्ट करूंगा तो ये साउथ और साउथ रिपेल कर जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे की तरफ. तो हमें क्या पता चल रहा है कि अगर मैं मैग्नेट को आयरन की तरफ पुश करूंगा तो दोनों पोल्स पे वो अट्रैक्ट करेगा लेकिन स्टील की वन साइड पे वो रिपेल करेगा. तो दिस इज हाउ वी विल आइडेंटिफाई ए एंड बी. लेट्स सी सम नोट्स एज वेल. प्लेस द मैग्नेट क्लोज टू ए एंड बी टर्न बाय टर्न. आयरन इज अ टेम्परेरी मैग्नेट विच इज केपेबल ऑफ स्विचिंग इट्स पोल, हेंस बोथ इट्स एंड ऑफ मैग्नेट विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट. सिंपल. Steel on the other hand is a permanent magnet, that is it retains its poles, hence one end of steel gets attracted towards the magnet and the other end gets repelled away from the magnet. Simple. ठीक है, hence we can say that the test of repulsion. अच्छा, ये जो ऊपर हमने पढ़ा है this is also said as test of repulsion. ठीक है, अब आ जाओ कुछ uses पे. अब परमानेंट मैग्नेट कौन से थे, स्टील, उसके भी कुछ यूजेस देख लेते हैं. और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और टेम्परेरी मैग्नेट्स कौन से थे, आयरन, उसके भी कुछ यूजेस देख लेते हैं. चलो, दिस इज बेसिकली रेक्टिफिकेशन सो यू मस्ट मेमोराइज दिस. परमानेंट मैग्नेट्स और स्टील के क्या यूजेस हैं, कंपासेस, स्कूल लैब एक्सपेरिमेंट्स, टॉयज, फ्रिज मैग्नेट्स. और टेम्परेरी मैग्नेट्स या आयरन के क्या क्या यूजेस हैं, MRI स्कैन, स्पीकर्स, रिसाइकलिंग, मैगलेव ट्रेन्स. ठीक है, now let's come to our main topic, that is how to plot magnetic field lines. ठीक है, magnetic field lines किस तरह plot करोगे आप. ठीक है, इसके दो methods हैं O levels and IGCSE में. कौन कौन से हैं, using iron fillings and using a compass. तो first method जो हम देखते हैं वो कौन सा है, using iron fillings. ठीक है, तो iron fillings से हम magnetic field कैसे draw कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए होगा एक बार मैग्नेट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक अ बार मैग्नेट लाइक दिस एंड प्लेस इट ऑन अ शीट ऑफ पेपर. देन यू जेंटली स्प्रिंकल द आयरन फिलिंग्स, द आयरन फिलिंग्स अराउंड द मैग्नेट एंड मेक श्योर दे आर स्प्रेड ऑल ओवर द पेपर एंड देन यू कैन ऑब्जर्व द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. सिंपल, हमने क्या क्या किया, हमने एक बार मैग्नेट लिया, दिस इज अ बार मैग्नेट एंड वी प्लेस्ड इट ऑन अ शीट ऑफ पेपर. सेकेंडली हमने क्या किया, हमने आयरन फिलिंग्स जो हैं वो स्प्रिंकल करना शुरू की एंड देन वी ऑब्जर्व द मैग्नेटिक फील्ड लाइन दैट वर फॉर्मिंग हियर. ठीक है, जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है. ठीक है, नाउ लेट्स कंटिन्यू टू द सेकेंड मेथड ऑफ प्लॉटिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, दैट इज यूजिंग अ कंपस. सो लेट्स सी हाउ वी वुड प्लॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यूजिंग अ कंपस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके भी हम स्टेप्स देख लेते हैं एंड देन वी विल सी इट्स डायग्राम. सिंपल, तो कंपस से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस द प्लॉटिंग कंपस नियर द मैग्नेटिक मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ पेपर. तो लेट्स सी द डायग्राम. हमने पहले एक कंपस लिया, उसको मैग्नेट के करीब जो है वो प्लेस कर दिया. ठीक है,
फर्स्ट पोजिशन ये है हमारी, लेट से दिस इज अर फर्स्ट पोजिशन ऑफ द कंपस. दीज ऑल वॉट यू आर सींग आर बेसिकली फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजिशन ऑफ द सेम कंपस. तो हम फर्स्ट पोजिशन देखते हैं, ठीक है, कंपस की. तो फर्स्ट पोजिशन पे हमने कंपस प्लेस किया अराउंड अ मैग्नेट, ठीक है, और इट इज ऑन अ शीट ऑफ पेपर. सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, मार्क द डायरेक्शन इन विच द कंपस नीडल पॉइंट्स. सिंपल, हमने जो जाके कंपस नीडल किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, इस डायरेक्शन में, तो हमने ये मार्क कर दिया. सिंपल. थर्डली क्या है, मूव द प्लॉटिंग कंपस टू मेनी डिफरेंट पोजिशन. मतलब प्लॉटिंग कंपस को आप अलग अलग पोजिशन पे ले जाओ और यही स्टेप्स रिपीट करो. सो लेट्स डू दिस. तो हम वन से लेकर अब कंपस को कहां पे ले गए, टू पे. यहां पे फील्ड लाइन क्या आ रही है, इस तरह आ रही है, तो वी मार्क दिस. थर्ड पे लेके गए तो यहां पे फील्ड लाइन क्या आ रही है, इस तरह आ रही है. वी डू दिस फॉर ऑल दीज पोजिशंस, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 बेसिकली एंड 10. जब आप ये सब कर लोगे तो यू विल हैव सम पॉइंट्स विच यू कैन यूज टू ड्रॉ अ कर्व लाइक दिस. Then a curve like this, this will give you the magnetic field lines. So हमने magnetic field lines draw करने के लिए कौन कौन से दो methods पढ़े, using a compass and secondly using iron fillings. So this marks the end of the simple magnetism topic. We will meet in the next lecture.